नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। वसई विरार में भूमि पुत्रों की फर्जी एग्रीमेंट बनाकर जमीन हड़पने वाले एक गिरोह सक्रिय है, जो जमीन मालिक के नाम से फर्जी एग्रीमेंट बनाकर उनके जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। विरार में न्यू विवा कॉलेज डी मार्ट के पीछे यह वही जमीन है जिसका मालिक मोरसिस में गया था, लेकिन उसके जमीन का फर्जी साइन करके नोटरी एग्रीमेंट बनाकर जमीन हड़पने का आरोप आगरी सेना के पालघर जिला अध्यक्ष जनार्दन पाटिल उर्फ जनिया मामा ने लगाया है। ये जो अर्जुन पाटिल का और भट्ट का क्या मतलब है? जयेंद्र पाटिल का, ये जयेंद्र पाटिल की जो जगह है डोंगरपाड़े की, वो पहली बार तो 90 गुंठा उन लोगों ने डेवलपमेंट किया है। 90 गुंठा में उनको 23,000 फुट माल आना चाहिए था, वो दिया नहीं। उसमें 17,000 फुट माल दिया, 5,000 फुट माल का हड़प किया है। उसके बाद में उसमें 40 शॉप बैठा है, तो 25% के हिसाब से उसको 10 शॉप आना चाहिए था, वो दिया नहीं। जगह हम लोगों ने उनको डेवलपमेंट में दिया है, उसमें से जगह उन्होंने ये डिमांड को बेचा 13 गुंठा। इनको बेचने का क्या अधिकार है? डेवलपमेंट में जगह दिया हुआ, इनको बेचने का क्या अधिकार है? और अभी वो राजू भट्ट ने जो अजू पाटिल को कुछ घुमा फिरा के बात किया है, अजू पाटिल को शायद मालूम नहीं होगा अंदर की बात क्या है। वो और अजू पाटिल को भी एक ही तरफ सुनता है, तो बताएंगे अभी आगे का क्या है, वो कानूनी तौर पे क्या होता है। वो मॉरिशस में जिस दिन जो आदमी रहता है और उसका इधर एग्रीमेंट नोटरी होता है, तो साइन कौन किया, कौन नोटरी वाला है, और बिना साइन के नोटरी हुआ कैसा? वो हमारे पास है ना प्रूफ, जिस दिन नोटरी हुआ उस दिन जयेंद्र पाटिल मॉरिशस में थे, तो साइन कौन किया फिर? तो ये अजू पाटिल को मालूम है क्या ये बात? उनके पार्टनर लोग आके खाली एक तरफ बोलते हैं, और वो भी उनके आदत है एक ही तरफ सुनने का। बाहर के जो लोग हैं वो बोलेंगे वो एक तरफ सुनने का, यहाँ के जो प्रॉपर भूमिपुत्र है उनका नहीं सुनने का। मैंने उनको बताया था, जाके खुद बैठा था मैं अजू पाटिल के पास, अजू पाटिल को मैंने समझाया था कि आप यहाँ के स्थानिक है, आपके ऊपर अन्याय नहीं होगा, आपका जो भी बेनिफिट है मैं इन लोगों को बोल के देने के लिए लगाता हूँ, आपको लॉस नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर लोगों ने आपको सही नहीं बताया क्या किया क्या नहीं। तो अजू पाटिल को ये मालूम है क्या कि जिस दिन नोटरी किया उस दिन जयू मॉरिशस में था? पासपोर्ट पे है ना उसके, बताते ना हम लोग कोर्ट में क्या है, वो आए सामने कोर्ट में हमारे सामने, तो बताते हो क्या है, उनका एग्रीमेंट वैलिडिटी नहीं है ना। फिर वो कैसा होगा जब जिस दिन वो आदमी है ही नहीं इंडिया में, तो नोटरी हुआ कैसा? वो अजू पाटिल को मालूम है ये बात? राजू भट्ट ने उसको बताया सही बात, और हमको पूछता तो हम बता देते, लेकिन उनका आदत है एक तरफ सुनने का, खाली उनके पार्टनर लोगों का सुनने का, बाकी लोगों का सुनने का नहीं, तो फिर होगी लड़ाई ना। अजू भट्ट को मालूम नहीं पंगा किससे लिया उसने, अभी बताता उसको मैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे लोगों को मेरी एक विनंती है कि आइंदा जो भी बिल्डर आपके पास आएंगे, तो आपका अच्छा वकील होगा, सलाहकार होगा, उसका सलाह ले लो। आपकी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में देने का है तो उसमें 4-5 साल का टाइम डालो, 4-5 साल में अगर वो डेवलपमेंट नहीं करते वो कैंसिल होना मांगता है, वो उसमें कलम डालो, क्योंकि 25-25, 20-20 साल ये लोग प्रॉपर्टी लिया, और डोंगरपार के बहुत लोगों के लिए अभी लोग आना चालू हो गया मेरे पास, 20-20 साल तक डेवलपमेंट नहीं किया, तो इनकी एक पीढ़ी तो गया, पिताजी मर गए, लड़के को मालूम नहीं क्या है, फिर वो भी लेने का हड़प करके ये खराब काम करके इतना पैसा कमाया है आमदार हितेंद्र ठाकुर के नाम से, अभी उनको बताता हूँ मैं क्या है, कैसा निकलता है वो। राजू भट्ट ने पंगा किससे लिया अभी उसको मालूम हो जाएगा, उसको प्यार मोहब्बत से हमने समझाया था कि अगर पहले ही तुमने 90 गुंठा जगह डेवलपमेंट किया, उसमें से 22,000 फुट उनको माल आना मांगता है, वो दिया ही नहीं, 17,000 फुट माल दिया, वो भी वो प्रॉपर्टी नहीं, दूसरी जगह लेके दे बना, बिल्डिंग बना के दिया, ये कौन सा बात होता है? और यहाँ जो 40 शॉप बैठा उसमें से 10 उनको आना चाहिए था, वो क्यों नहीं दिया? मतलब एकाध खेडूत तुम्हारा रिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हारी इज्जत कर रहा है, तो उसको और दबाने का ये कौन सा तरीका है? ये गलत है तो गलत है, आगरी सेना उसके साथ में मरते दम तक खड़ा रहूंगा मैं उसके साथ में, जयू के साथ में है। क्या आपको लगता है पुलिस को मैनेज करके ये माने तो पूरा मैनेज हो गया है, ऐसा अच्छा पैसा लिया उसने, इसके लिए बताते ना उसको भी, उसको ये तो रहने ही नहीं देंगे इधर। वो पहले सेट्टे था, वो भी यही धंधा करता था अरनाला पुलिस स्टेशन में, अभी ये आया ये भी यही धंधा कर रहा है, तो करेंगे क्या फिर? यहाँ की जनता कैसी सुखी होगी, बताएंगे ये सब छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है भूमिपुत्र को पुत्रों का फर्जी एग्रीमेंट बनाकर उनका जगह? यह है ना जयेंद्र पाटिल जिस दिन नहीं था, वो अजू पाटिल को मालूम नहीं होगा ये बात कि जनार्दन पाटिल उतरा है तो किस पॉइंट पे उतरा है। मैं अभी खुला बोल रहा हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से, अजू पाटिल को मालूम है क्या कि मैं भेजू जिस दिन आप लोगों ने नोटरी किया है उस दिन जयेंद्र पाटिल मॉरिशस में थे, नोटरी हुआ कैसा?
उनका साइन कौन नोटरी वाले ने किया उसको भी बताता वो। तो ऐसे कितने लोगों के और एग्रीमेंट, मेरे पास तो एक एग्रीमेंट है ना, ऐसे कितने लोगों की झूठे एग्रीमेंट बनी होगी, निकल आएगा ना। डोंगरपाड़े के कितने लोग हैं उनका एग्रीमेंट ये कंपनी ने डेवलपमेंट में जगह लिया है, वो 20-20 साल डेवलप नहीं कर रहे, तो आएंगे ना अभी सब लोग आएंगे ना, ऐसा ऐसा सब लोग आएंगे, मालूम होते जाएगा तो निकालेंगे सबका। पेश है विरार की यह खास रिपोर्ट।